Evening evening evening. all, welcome to Learners Academy. Good evening, sir. good evening, sir, शी video off हो गया फिर video on करो Oppo F19 Pro Plus. प्लस एक तो नाम थोड़ा अच्छा लखो काफी लेंदी नाम है आपका मान्या है कौन है मान्या. मान्य जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हो तो वहाँ पे आपको आपका नाम रखने का ऑप्शन मिलता है मिलता है ना बच्चों बोलो बच्चों yes, तो फिर yes, अपने नाम से आप एंटर होंगे क्लास में आ, मुस्कान वीडियो ऑन करो आयुषी एंड छवि टर्न ऑन योर वीडियो मुस्कान भी ऑन करो आयुषी छवि ऑन करो सक्षम ऑन करो जल्दी जल्दी करो मेरा ना आयुषी अभी कहीं तो गई हुई है वो बात कर रहा है अच्छा ये कौन बोल रही है छवि बोल रही है यस yes, सर तो छवि आप कर दो वीडियो ऑन ऐसा तो नहीं कि आयुषी आएगी आयुषी की आईडी चल रही तो वो आके करेगी आप भी कर सकते हैं ना फिफ्टी परसेंट पार्टनर है इस आईडी में यू कैन ऑल्सो टर्न ऑन द वीडियो ओके कहाँ गई आयुषी टर्न तो तो ऑन okay. ही रहने दो आने दो उसको आती क्लास से बाहर कर देना उसको लेट हो गई ना रूम से बाहर कर देना मुस्कान वीडियो ऑन करो मैत्री टर्न ऑन योर वीडियो प्लीज मान्या वीडियो ऑन करो एंड मैथ्री यूट्यूब के लेट स्टार्ट अवर क्लास फॉर टुडे तो ये चैप्टर इंट्रोडक्शन के साथ साथ एक्सरसाइज इंट्रोडक्शन भी हो गया था कवर्ड द्राइटीरिया द्राइटीरिया ऑफ कॉन्ग्रोवंस रूल्स ऑफ कॉन्ग्रोव ऑफ ट्राइंगल्स द कांग्रोवंसी ऑफ ट्राइंगल्स कुछ भी कह सकते हैं ये हमने कल कवर किया था क्या मतलब इसका इंट्रोडक्शन किया था क्या बोलो फाइव क्राइटेरिया ऑफ कॉन्ग्रेंस ऑफ ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन कल किया था बच्चों यस सर ओके अब सुनो जो मैं कहने वाला हूँ आपके एक्सरसाइजेस कितनी है टोटल थ्री एक्सरसाइज तीन एक्सरसाइजेस हैं कोर्स में एक बार देखना सारे बच्चे न्यू बुक में चेक करके बताना सेवन पॉइंट वन सेवन पॉइंट टू सेवन पॉइंट थ्री तीन है yes, या दो ही है चेक करके बताओ तीन सर एक चौथी एक्सरसाइज न्यू आ, ओल्ड बुक में भी है इसमें मतलब तीन तीन तो हम इक्वालिटी की बात करें कॉन्ग्रोन्स ऑफ ट्राइंगल बराबर कैसे तो की बात, कर रहे हैं, की बात कर रहे हैं तो एक ऐसी एक्सरसाइज भी तो होनी चाहिए जिसमें इनक्वालिटी की बात करें तो वो एक्सरसाइज हालांकि इस साल कट चुकी है तो ये आपको कवर नहीं करनी इस साल नहीं मतलब दो साल से कट चुकी है अभी मेरी इस बुक में जरूर मिलेगी आपको अगर आप पढ़ना चाहो तो एक्स्ट्रा में पढ़ सकते हो बाकी तीन एक्सरसाइजेस तो कोर्स में हमको करनी है अब सुनो पांच क्राइटेरिया जो हमने सीखे हैं वो पांच क्राइटेरिया इन तीन एक्सरसाइज में बटे हुए हैं बटे हुए का मतलब है कुछ क्राइटेरिया पहली एक्सरसाइज सॉल्व करती है कुछ दूसरी करती है और कुछ तीसरी करती है ठीक है तो एक तरीका तो यह है कि सात सेवन पॉइंट वन में जो क्राइटेरिया है जिस क्राइटेरिया से सोल्व होगी वो वो क्राइटेरिया पहले कवर करो और पहले सेवन पॉइंट करो बाकी क्राइटेरिया की बात मत करो फिर के आएंगे तो फिर के इंट्रोड्यूस करके वो सोल्व करो फिर थ्री के आएंगे थ्री को करो बट ऐसा करने से आपको नहीं लगता थोड़ा सा अजीब लगेगा मतलब कुछ क्राइटेरिया पहले करने बात क्योंकि एग्जाम में जब हम बैठेंगे तब तो पांचों क्राइटेरिया हमको याद होनी चाहिए ना बोलो एग्जाम में थोड़ा कहीं आपको गिवन मिलेगा की सेवन पॉइंट वन वाले तो हम तो एज अ चैप्टर एज होल पांचों क्राइटेरिया सीखने हमको तो हम तो पांचों क्राइटेरिया सीख के आ चुके हैं तो अब अपने लिए तो पांचों क्राइटेरिया से कहीं से भी सवाल आए हम उसको सोल्व करने की स्थिति में है ओके इज दिस थिंग क्लियर टू यू हालांकि ये सेवन पॉइंट वन जो है सेवन पॉइंट वन जो है करीब करीब एस ए एस कॉन्ग्रवंस रूल पर बेस्ड जो पहला क्वेश्चन आप चेक करोगे तो पहलाएस रूल चलेगा एस ए ये तो भाई कौन से है आप भूल जाओ उसको सेवन पॉइंट वन में कौन से आप तो ये मानो तीनों एक्सरसाइज मिला के पांचों कांग्रोवंस रूल कवर होंगे जिसमें जो आएगा देख लेंगे शुरू करें सो अस स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन वेरी फर्स्ट क्वेश्चन सेवन पॉइंट वन Please draw this figure. Everyone has drawn this figure. Let me know. Yes. चलो ड्रॉ हो गया तो पढ़ते हैं एक बार रीड आउट करते हैं क्वेश्चन लेट्स रीड द क्वेश्चन लेफ्ट साइड में फिगर ड्रॉ करना राइट साइड में फिगर ड्रॉ करना लेफ्ट साइड में उसके गिवन पॉइंट्स लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी कैन यू सी अ क्वाड्रिलेटरल ए सी बी डी ए सी बी डी ए सी बी डी ये क्वाड्रिलेटरल देख पा रहे हैं हम क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या होता है जिसमें फोर साइड्स होती है तो इस ए सी बी डी में फोर साइड्स हैं या नहीं बताओ ठीक है हिंदी में बोलते हैं क्वाड्रीलेटर को चतुर्भुज बुझ, चार का स्वामी चतुर्भुज या चार का पॉलीगन ठीक है तो इस क्वाड्रिलेटरल में हमको क्या क्या चीजें गिवन है साइड ए सी साइड एडी के इक्वल गिवन है और देखो साइड ए सी साइड एडी के इक्वल है ऐसा आपको फिगर में भी डिनोट किया हुआ है देखो सिंगल साइन सिंगल साइन देख पा रहे हो निशानी सेम है ना तो अगर कोई इसको ना पढ़े केवल फिगर पढ़ ले ना फिगर पढ़ना भी अगर किसी को आता हो ना तो भी आप इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है देखो इस फिगर से क्या पता चल रहा है कि AC और AD बराबर है। सिंगल साइन सिंगल साइन है या नहीं है और आप एंगल को भी देखो सिंगल साइन सिंगल साइन यानी ये एंगल इस एंगल के बराबर है है या नहीं है और आगे देखो तो क्या लिखा हुआ है एंगल AB बाईसेक्ट एंगल A AB एंगल A के दो टुकड़े करती है बराबर बराबर करती है क्या चेक करते हैं काहे AB ये रही AB कहा है एंगल ए अब एंगल ए अगर सिंगल लेटर में लिखा हुआ है तो पूरा एंगल ए है ऊपर वाला नीचे वाला नहीं है पूरा है मजा जब सिंगल लेटर में लिखा रहेगा तो मैं पूरा मानूंगा पूरा 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 मतलब ये पूरा एंगल ए सी ए डी वाला एंगल ए मानूंगा ठीक है तो ये ए बी जो है इस एंगल ए को बायसेक करती है बायसेक करने का मतलब है कि इसको आधा आधा कर देती है आधा आधा कर देगी दैट मीन ऊपर वाला पोर्शन नीचे वाला पोर्शन बराबर हो जाएगा तो एंगल सी ए बी इक्वल हो जाएगा किसके डी ए बी के हो जाएगा एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी फिगर में भी ऐसा डिनोट किया हुआ है देखो ये वाला एंगल इसके इक्वल किया हुआ है ना तो दोनों गिवन पॉइंट समझ में आ गए अब आपको साबित करना है कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रोवंट है ट्राइंगल एबीडी और फिर दूसरा सवाल है वॉट कैन यू से अबाउट द साइड बी सी एन चलो दूसरे सवाल को बाद में एक बार गोली मारो पहले काम करते हैं पहले, पहले हम पहला काम क्या करना है को साबित करना है। अब को जब भी भी करना होगा तो हम पांच में से कोई कोई इस्तेमाल करेंगे।, करेंगे वो इन्फॉर्मेशन पे डिपेंड करेगा कौन सी इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ठीक है एबीसी कॉन्ग्रोमेंट है एबीडी के एबीसी ट्राइंगल कहा है एबीसी ट्राइंगल है ऊपर वाला ट्राइंगल और एबीडी ट्राइंगल कहा है नीचो वाला ट्राइंगल तो ऊपर की बाजू वाला ट्राइंगल नीचे की बाजू वाला ट्राइंगल के बराबर है वो बहु सेम शक्ल का दिख रहा है देखो फोटो कॉपी दिख रहा है बोलो यह सोनो दिख रहा है क्या yes, और तो और अगर मैं डी पॉइंट को पकड़ लू टिप से और उठा के ऐसे सी पॉइंट के ऊपर प्लेस कर दू उठा के ऐसे सी पॉइंट के ऊपर प्लेस कर दूं तो ये पूरा ट्राइंगल इस पूरे ट्राइंगल को डक देगा कवर कर देगा कर देगा क्या करेगा ना क्योंकि ये कांग्रोट है है ना समझ आया ओके okay. अब इनको कांग्रोट लेकिन ये तो दे नहीं रखा क्या नहीं दे रखा ट्राइंगल एबीसी एबीडी के है। नहीं नहीं दे नहीं रखा प्रूव करना है हमको साबित करना है कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रोवेंट ऐसे कह रहा हूं मैं हम यूज नहीं कर सकते कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रोवेंट है हम इस चीज को इस इस इंफॉर्मेशन इस को नहीं यूज कर सकते कि एबीसी एबीडी के है हमको ये साबित करना है कि ये ट्राइंगल कॉन्ग्रोवेंट है तो हम क्राइटेरियन का इस्तेमाल करेंगे मैं तो ये कह रहा हूं ठीक है ठीक है क्या बोलो और कोई डाउट yes, और sir. कोई क्वेरी चलो अब ट्राइंगल को कॉन्ग्र साबित करने के इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है पहले वो देखो तो ऊपर वाली ट्राइंगल की एक साइड नीचे वाले ट्राइंगल की एक साइड के बराबर गिवन है यस तो एक एक साइड गिवन है इक है इक्वल ना yes. और ऊपर वाले ट्राइंगल का एक एंगल नीचे वाले ट्राइंगल के एक एंगल के इक्वल गिवन है तो एक एक एंगल भी गिवन है तो एक साइड गिवन है एक एंगल गिवन है तो अगर तीसरी साइड भी मिल जाए तो हो जाएगा ना एस एस होगा नहीं होगा बताओ बोलो होगा अब तीसरी साइड तो सर ही नहीं, नहीं।, नहीं आप कैसे मान लोगे इक्वल है अब आप ध्यान से देखो दोनों ट्राइंगल्स में एक ऐसी साइड है जो कॉमन है क्या है जो क्या है कॉमन कॉमन का मतलब पता तो है क्या होता है जो उसमें भी, भी है और इसमें भी है कॉमन का मतलब क्या होता है जो उसमें भी है और इसमें भी है दोनों की साइड है वो ठीक है क्या ऐसी साइड बताओ कॉमन ए बी साइड को देखो भैया ऊपर के बाजू की भी साइड है नीचे के बाजू तो जो कॉमन साइड है वो तो इक्वल होगी ना भाई ये साइड अपने खुद के इक्वल होगी नहीं की बी एबी के इक्वल तो होगी ना तो तीसरी जो दूसरी साइड चाहिए थी वो कॉमन साइड से चुरा लेंगे हम तो एक साइड तो ऑलरेडी इक्वल की वन थी एक साइड फ्रॉम द फिगर मैंने पकड़ ली एक एंगल पकड़ लिया दो साइड्स और बीच का अच्छा बीच का एंगल होना चाहिए एस ए एस रूल के लिए एंगल इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल होना चाहिए तो एसी तो और दूसरी कौन सी पकड़िएल में ऊपर वाले ट्राइंगल में ए सी के साथ कौन सी पकड़ी है बताओ ए बी पकड़िए ठीक है थीके? तो ए सी और ए बी का इंक्लूडेड एंगल यानी कि इनके बीच का एंगल यही वाला होगा चेक करो सिमिलरली नीचे वाले ट्राइंगल में ए डी पकड़ी है हमने और वही कॉमन साइड ए बी पकड़ी है और इन दोनों के बीच का इंक्लूडेड एंगल यही वाला होगा तो इंक्लूडेड एंगल ही तो इक्वल गीवन है तो एस ए एस कॉन्ग्रोन रूल से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रोन्ट हो जाएंगे क्या बोलो अभी yes, sir. चल तो स्टार्ट करें फिर सबसे पहले हम कभी भी किसी कॉन्ग्रोवेंट yes, तो प्रूव करना हो तो सबसे पहले गीवन पॉइंट डालते हैं गिवन पॉइंट्स डालो इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इन क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी दो बातें गिवन है पहली बात ए सी बराबर ए डी बिल्कुल क्वेश्चन में से कॉपी पेस्ट करनी होती है वार. दूसरी बात क्या गिवन है ए बी बाइसेक्स एंगल ए दैट्स इट और कोई बात गिवन है क्या बताओ और कोई गिवन पॉइंट्स है क्या नो नो सर ये गिवन पॉइंट्स मार्क कर दो फिगर को राइट साइड ड्रॉ किया करो और लेफ्ट साइड में गिवन पॉइंट्स मार्क कर दिया करो गिवन पॉइंट्स एक बार पूरे हो जाए तो फिर हम लिखते हैं टू प्रूव हमको साबित क्या क्या करना है तो हमको एक चीज साबित करनी थी ट्रायंगल एबीसी बी है ट्रायंगल एबीडी है ना साबित करना था ये लिख दो <coughs> बोलो लिख दिया <coughs> लिखा क्या अब अगर हमको इसको कांग्रेस प्रूव करने सर। के लिए या जो भी चीज वो प्रूव करवाना चाह रहा है इसको प्रूव करने के लिए अगर कोई कंस्ट्रक्शन वर्क करना है तो हम तीसरे पायदान पे कंस्ट्रक्शन वर्क करते हैं अब इस क्वेश्चन में तो कोई कंस्ट्रक्शन वर्क नहीं करना ना तो इसको हटा दो और सीधे प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करो प्रूफ सेक्शन यानी एक्चुअल सोल्यूशन यहाँ से स्टार्ट होगा तो इन क्वेश्चन की खास बात यह है कि अगर आपको क्वेश्चन सोल्व ना भी हो तो भी आप फिगर बनाकर गीवन पॉइंट और टू प्रूव तो लिख ही सकते हैं तो एक नंबर तो आपको इसी में मिल जाएगा तो अगर मान लो वैसे तो देखो क्वेश्चन सोल्व करना आना चाहिए सबसे जरूरी वो है बट इन केस मान लो कोई नया क्वेश्चन आ रहा है और उसके सिट्टी हो गई बिल्कुल नया है देखा ही नहीं कभी ऐसा आ गया तो एटलीस्ट इतना तो कर ही देना ताकि और कुछ नहीं तो चार नंबर का क्वेश्चन है तो एक नंबर तो मिल जाएगा समझ आया आ गया ठीक है yes, प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करता है तो प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करते हैं तो पहले आप खुद स्ट्रेटेजी बनाओ आप दो ट्राइंगल्स उठाओगे ट्राइंगल्स उठाकर आप एक साइड को तो इक्वल कर दोगे एज इट इज गिवन है एक साइड आप कॉमन साइड है वो लिख दोगे बट फिर आप एंगल ये वाला इसके इक्वल है ये कैसे लिखोगे ये तो गिवन ही नहीं है गिवन है क्या ये नहीं उधर तो कोई और बात गिवन है ए बी बायसेक्स एंगल है तो ए बी बायसेक्स एंगल ए का रिजल्ट है कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है इसका रिजल्ट है ना ये तो पहले आप एक काम करो इसको इक्वल करने की सामग्री रेडी करो इस एंगल को इस एंगल के इक्वल करने की, इक्वैन की, की सामग्री रेडी करो तो सबसे पहला स्टेप मैं यही वाला लिखता हूं हेयर हेयर क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी ए बी बायसेक्स एंगल है पहले आप सेकंड गिवन पॉइंट उठा लो या आपके ऊपर आप कौन सा गिवन पॉइंट कब इस्तेमाल करते हो मैं सेकंड वाला पहले उठा लेता हूं ए बी ये कहां से पता चला सर ये वन है तो सामने डाल दो ये वन है सो so, अगर ए बी एंगल ए को बायसेक करिए एंगल पूरा है ए बी इसके बिल्कुल बीचों बीच जाती है तो अगर ए बी एंगल ए को बायसेक करती है तो ऊपर वाला और नीचे वाला एंगल बराबर होगा ऊपर वाले एंगल का थ्री लेटर्स में नाम बताओ सी ए बी तो एंगल सी ए बी इज इक्वल टू नीचे वाले एंगल का थ्री लेटर्स में नाम बताओ बोलो नीचे वाले ट्राइंगल का तीन लेटर्स में नाम बताओ एंगल देखो नीचे वाले ट्राइंगल का तीन लेटर्स में नाम जब हम लिखेंगे तो हमको उसी फ्लो में लिखना पड़ेगा जिस फ्लो में हमने पहला लिख दिया ये आप इस चैप्टर की खासियत मान के चलना इस चैप्टर में आप कभी भी दो एंगल्स को इक्वल रखोगे तो सेम फ्लो में रखना जरूरी है अगर आपने उस, आपने उसका नाम सी ए भी रखा है तो आपको इसका नाम डी ए भी रखना पड़ेगा आप इसका नाम बी एडी नहीं रख सकते अगर आप इसका नाम बी एडी रखना चाहते हो तो फिर ऊपर वाले का नाम भी बी ए सी रखो कुल तो मिला के दोनों को सेम फ्लो में लिखना पढ़ना और रीड करना जरूरी है समझ क्या? नहीं तो आपकी कॉन्ग्रुएंस रूल जो है नहीं लग पाएंगे सी ए बी इक्वल टू नीचे वाले ट्रायंगल का नाम सी ए ठीक है अब ये सामग्री रेडी हो गई ना इसको मैं सीधे रूल के लिए एक हथियार की तरह इस्तेमाल करूंगा क्योंकि रूल में मुझे तीन हथियार चाहिए दो साइड और एक एंगल एक साइड तो गिवन पॉइंट से चुरा लूंगा एक कॉमन है वहां से ले लूंगा फ्रॉम द फिगर और एक मैं साबित कर चुका हूँ लिख दूंगा प्रूव अबो तो तीनों हथियार रेडी है क्या मेरे तीनों हथियार रेडी है चलिए yes, तीनों हथियार रेडी yes. है तो अब आप शुरू कर दो ट्राइंगल को कांग्रेट प्रूव करने का काम ट्राइंगल को कांग्रेट प्रूव करने के लिए हम लिखते हैं दोनों ट्राइंगल्स का इंट्रोडक्शन करते हैं पहले नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन से ट्राइंगल हमारे पास एबीसी कौन सा है एबीडी यस yes, कोई डाउट है किसी को बच्चे को सर एंगल सी एंगल सी एंगल सी इक्वल टू अच्छा गलत लिख दिया ना मैंने डी ए बी होगा ना कोई बोल भी नहीं रहा ए डी नहीं होगा डी ए बी डी ए बी करो ए बी, अब तो ठीक है मैत्री मैत्री को हमने इसलिए रखा है इस बीच, बीच, बीच में गलती पकड़ के बताती जाए लिख लिया ए, ट्राइंगल एबीसी एबी ट्राइंगल एबीसी इंट्रोड्यूस कर दिया ट्राइंगल कॉन्क्रोवेंस रूल्स के लिए अप्लाई करने के लिए

किसी भी फ्लो में आप यूज कर सकते हो कोई पाबंदी नहीं है ऑल दो किसी किसी स्कूल में ये बताया जाता है कि अगर आप एस ए एस यूज कर रहे हो तो लिखना भी आपको इसी सिक्वेंस में पड़ेगा पहले साइड फिर सेकेंड नंबर पे एंगल और तीसरे नंबर पे दूसरी साइड लेकिन मेरी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है आप किसी भी फ्लो में यूज कर सकते हो एस, एस सच कोई रूल नहीं है बाकी स्कूल्स में अगर आपको कहते हैं करो तो फिर स्कूल्स की भी बात माननी पड़ेगी वहां पे आप वैसे कर लेना ठीक है एज यू विश तो अभी के लिए मैं काम करता हूं मेरे को ज्यादा सरल लगता है लिखना दोनों साइड पहले लिख लो और एंगल लास्ट में लिख ठीक है तो मैं दोनों साइड लिख लेता हूं तो ए और एडी ये दोनों साइड इक्वल है इसको मैं सबसे पहले लिख देता हूं ए सी इक्वल टू एडी ये पहला हथियार लिख दिया है लेकिन ये पहला हथियार आया कहां से आपके सामने ये गीवन था साहब गीवन था ना कि नहीं था लिख लिया लिखते ही लिखते ही चेक करो सेम फ्लो में है या नहीं है अगर गलत है तो उसी जगह करेक्ट करो तो ये दोनों सेम फ्लो में है या नहीं ट्राइंगल के नोटेशन से देखो ए सी ए डी सेम नोटेशन में है पहला तीसरा लेटर पहला तीसरा ठीक है या तो लिख, लिखते टाइम ही चेक कर लो पर ये हमेशा सेम फ्लो में होने चाहिए एक बार भी अगर सेम फ्लो में नहीं है तो गलत माना जाएगा ओके चलो सेकंड साइड कौन सी लेनी है अपने को कॉमन वाली साइड लेनी है ठीक है तो कॉमन वाली साइड का नाम क्या है पढ़ के बताओ ए बी तो अगर इस ट्राइंगल से ए बी लूंगा तो उस ट्राइंगल से भी ए बी ही आ रहा है आ रहा है ना कई बार उल्टा हो जाता है इधर ए बी आ जाता है इधर बी ए आ जाता है तो ए बी इक्वल टू बी ए भी लिख सकते हैं दोनों सेम ही साइड है और ए बी इक्वल टू ए बी भी लिख सकते हैं जिस फ्लो में आ रहा है उस फ्लो में लिखना पड़ेगा अभी ए बी इक्वल टू ए बी वाले फ्लो में आ रहा है तो ए बी इक्वल टू ए बी लिखेंगे समझ गए क्लियर देखो सेकेंड साइड ए बी इक्वल टू ए बी और ए बी इक्वल टू ए बी का रीजन क्या डालेंगे ए बी इक्वल टू ए बी का रीजन डालेंगे कॉमन साइड कॉमन साइड लिख लिया एंड लगा देना एंड ये पहला हथियार एंड दूसरा हथियार एंड अब अंतिम हथियार आ रहा है अंतिम हथियार कौन सा आएगा एंगल वाला एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी लिख के छोड़ के आए ना अब उसको यहां इस्तेमाल करो एंगल सी ए बी इक्वल टू एंगल डी ए बी इसका रीजन क्या डालेंगे तीनों का रीजन डालना आपको एक का भी रीजन ना लिखे ऐसा पॉसिबल नहीं है तीसरी चीज का रीजन क्या डालेंगे तीसरे पार्ट का एंगल टू एंगल ऊपर प्रूव करके आए हैं हम ऊपर ही प्रूव करके आए ठीक है तो साइड एंगल साइड अच्छा फ्लो भी चेक करो पहले का तो फ्लो चेक कर दूसरे का भी फ्लो चेक कर ही लिया था हमने ए बी ए बी फ्लो चेक हो गया था ठीक है अब एंगल का फ्लो चेक करो जरा तो सी ए बी देखो इधर देखो स्क्रीन पे ट्राइंगल नोटेशन से चेक करना है हमेशा जो ट्राइंगल आपने इंट्रोड्यूस करा है उसके नोटेशन चेक करना है सी ए बी देखो सी ए बी इधर देखो डी ए बी तो सी ए बी और डी ए बी सेम फ्लो में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं आ रहे ना कि नहीं आ रहे बोलो यस yes, सर तो दो साइड्स और बीच का एंगल अच्छा ये इसके बीच का एंगल है या नहीं है वो भी तो चेक करना है वो कैसे चेक करें या तो फिगर से चेक करो या फिर ए सी और एबी का कॉमन लेटर कौन सा है ए सी और एबी का कॉमन लेटर कौन सा है A. ए तो यहाँ पे सेंटर पे एंगल ए आ रहा है चेक करो आ रहा है यानी ये या एंगल A, ए जो सेंटर लेटर होता है वहीं पे तो एंगल बनता है चलो इधर आओ एडी और एबी का भी कॉमन लेटर कौन सा है ए तो यहां पे भी सेंटर लेटर है आ रहा है तो जो कॉमन लेटर है वो सेंटर पे आना ही चाहिए तभी वो इंक्लूडेड एंगल होगा ठीक है तो सारी बातें हमने चेक कर ली है तो अब अपन लिखेंगे so, by using, नीचे लिखना मेरे पास स्पेस नहीं इसलिए यहां लिख रहा हूं सो यूजिंग एस ए एस कॉन्ग्रोअंस रूल ट्राइंगल ABC is congruent to triangle ABD. Hence, proved. Hence proved. तो ट्राइंगल को आपको तीन बार लिखना है एक्चुअली एक बार तो टू प्रूव है एक बार जब आप इंट्रोड्यूस करोगे और एक बार जब आप प्रूव कर चुके होंगे यहाँ पे यहाँ पे, पे तीनों जगह सेम ट्राइंगल्स आने चाहिए समझ गए क्या आगे बढ़े अभी खत्म नहीं हुआ ना सवाल नेक्स्ट क्वेश्चन भी तो है इसमें इसी क्वेश्चन का मतलब सेकंड पार्ट अभी देखो कॉन्ग्रेंस रूल्स हमने स्टार्ट ही किया तो मैं बिल्कुल सुपर स्लो स्पीड में चल रहा हूं बट वी नीड टू स्पीड अप तो धीरे धीरे हम स्पीड अप करेंगे अभी बिल्कुल स्लो स्पीड में चल रहे हैं कोई कमी पेशी हो कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे इसके yes. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन वास व्हाट कैन यू से अबाउट साइड बीसी एंड बीडी बीसी और बीडी के बारे में आपका क्या ख्याल है साइड बीसी और बीडी कहाँ है पहले तो मैं चेक कर लेता हूँ अच्छा अम्म सही अच्छा मुझे एक चीज बताओ बीसी बीडी से पहले एक चीज समझते हैं देखो यहाँ पे ये यह मैंने तीनों जो चीजें एक साथ लिख दी ए सी इक्वल टू ए डी ए बीवल टू ए बी एंगल सी एक्वल टू एंगल तो एंगल सी ए बीवल टू एंगल डी ए बी हमने ऊपर रेडी किया और नीचे फिर यूज किया तो हम ऐसा भी कर सकते हैं क्या कि हम जो ऊपर की तीन लाइन लिख के आए ना हेयर इन क्वारिलटर ए बी एंगल है और फिर एंगल सी ए बीवल टू एंगल डीबी ये तीनों लाइने हम नीचे ही लिख देते एक साथ ही दो दो बार क्यों लिखा ऐसा क्यों किया कि पहले उसको रेडी किया और बाद में उसको यूज किया हम ऑन द गो इसको डायरेक्टली यूज कर लेते तो ऐसा हम इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जब अपन ट्राइंगल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो अपने को लाइन बाई लाइन तीनों हथियार एक साथ लिखने पड़ते हैं साइड साइड एंगल उसके बीच में गैप नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक साइड तो लिख दी दूसरी साइड लिख दी और एंगल के लिए पता नहीं क्या क्या करे जा रहे हैं करे जा रहे हैं और दो तीन लाइन के बाद फिर एंगल लिखना समझ गए क्या ये एक ही फ्लो में आने चाहिए मतलब एक साथ ही आने चाहिए साइड साइड एंगल अगर इस एंगल को इक्वल करने के लिए कुछ भी सामग्री रेडी करनी है तो वो ट्राइंगल इंट्रोडक्शन से पहले ही करके आनी है ये चीज समझ में आ गई क्या वो ट्राइंगल इंट्रोडक्शन से पहले ही करके आनी है अब आप देख लेना अगर एक आध लाइन में हो रही हो तो नीचे ही लिख देना पहले रेडी करके मत आना और आपको लगे कि यार नहीं तीन चार लाइंस लगेंगी इसको यूज करने में तो फिर आप पहले इसको रेडी करके ओके डन अच्छा जी इसका सेकंड पार्ट क्या था कि व्हाट कैन यू से अबाउट साइड इस वाले पार्ट को देखते हैं वॉट कैन यू से अबाउट द साइड बी एंड बीसी एंड बी डी इन दोनों साइड के बारे में आपका क्या ख्याल है अब ख्याल ख्याल क्या ऐसे तो ना कहोगे कि दोनों एक दूसरे की दोस्त हैं मैथ्स में का मतलब होता है इक्वल है या नहीं है बस ये बता दो मैथ्स में तो इक्वालिटी की बात होती है ना तो आपको ये बतानी है कि बीसी और बी डी इक्वल है या नहीं है तो अगर जो हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रोमेंट किए थे उसमें बीसी और बी डी शामिल थे क्या मतलब बीसी और बी डी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन थी क्या यहाँ पे इक्वल है या नहीं है ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन थी बोलो इधर का मेशन थी क्या बीसी और बी बराबर है नहीं थी नहीं थी और ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए हमने बीसी और बी का सहारा भी नहीं लिया हमने तो एसी और एडी और ए बी कॉमन साइड का सहारा लिया तो हमने दो साइड का इस्तेमाल तो कर लिया था इस ट्राइंगल की ए सी और ए बी का इस्तेमाल और नीचे वाले ट्राइंगल की ए डी और ए बी का इस्तेमाल तो हमने कर लिया था लेकिन तीसरी साइड का इस्तेमाल हमने नहीं किया था बट आपको क्या सिखाया गया था ंगल कॉन्ग्रोन प्रूव करने के लिए तो हमको कुछ कुछ पार्ट्स ही चाहिए सारे पार्ट्स नहीं चाहिए लेकिन ट्राइंगल कॉन्ग्रोन प्रूव हो जाए तो होने के बाद तो सारे पार्ट्स इक्वल हैं यानी जिन पार्ट्स का इस्तेमाल हमने नहीं किया उसको प्रूव करने के लिए प्रूव करने के बाद हम उनको भी एज ए रिजल्ट लिख सकते हैं लिख सकते हैं ना तो अगर हमने ट्राइंगल एबीसी और ट्राइंगल एबीडी को कांग्रोट प्रूव कर दिया एक बार कर दिया ना तो अब इसके जितने भी पार्ट्स हैं जैसे दो साइड्स तो इक्वल पहले ही लिख दी थी अपन ने तीसरी साइड भी अब इक्वल लिख सकते हैं अच्छा एक, एक एक एंगल भी पहले लिख दिया था इक्वल तो बचे हुए दो दो एंगल्स भी भी इक्वल लिख सकते हैं कि भैया बराबर बराबर है है और जो जो भी वो लिखवाना हमसे चाहता है जैसे वो साइड बीसी और बी के बारे में पूछ रहा है तो हम लिख सकते हैं कि दोनों साइड इक्वल ठीक है अब कैसे पता चलेगा कि बीसी बी इक्वल बी है वही ट्राइंगल का फ्लो देखना पड़ेगा इस ट्राइंगल में बीसी कैसे बनती है सेकेंड और थर्ड लेटर से और बीडी कैसे बनती है अगेन सेकेंड और थर्ड लेटर से तो bc बराबर क्या हो जाएगी bd हो जाएगी ठीक है बट इसका रीजन क्या लिखेंगे सर bc bd के बराबर क्यों हुई तो इसके लिए एक कॉमन रीजन है बाय cpct ये रीजन हम कब डालेंगे ध्यान से सुनिएगा जब हम ट्रायंगल को कोंगग्रुएंट करके आए हैं अभी-अभी एबीसी कोंगग्रुएंट टू ट्रायंगल abd अभी-अभी करके आए

corresponding parts of congruent triangle ठीक है तो यहाँ से abc में से मैं क्या ले लूंगा bc ठीक है ना सो so लगा के लिख देंगे हम सो so bc इक्वल टू यहाँ से abd में से क्या ले लूंगा bc के फ्लो में कौन आ रहा है bd तो so bc इक्वल टू bd और रीजन डाल देंगे हम बाय cpct CP. ये क्वेश्चन हमारे यहाँ पे खत्म होता है समझ आया क्या लास्ट का सेक्शन जो हमने अभी डिस्कस किया सबको ये ट्राइंगल कॉन्ग्रोएंट करने के बाद अगर अपने को किसी को इक्वल प्रूव करना है तो आप बस ये चेक कर लेना सेम फ्लो में है या नहीं है सेम फ्लो में है तो हम एज एजेट इज लिख सकते हैं कुछ इन, किंतु परंतु अलग से कोई एक्सप्लेनेशन देने की जरूरत नहीं बस सेम फ्लो में होना चाहिए रीजन हम क्या डाल देंगे बाय सीपी पी क्योंकि पी क्यूँकि ट्राइंगल कॉन्ग्रोएंट प्रूव हो गए तो उसके सारे कोरोस्पॉ पार्ट इक्वल होंगे तो बीसी और बीडी भी कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट में आता है देखो बीसी का कोरोस्पॉडिंग पार्ट बी बनता है तो ये इक्वल होगा डन इज इट डन सबका हो गया yes, एक क्वेश्चन और करेंगे आज क्वेश्चन नंबर टू का फिगर बनाओ एवरीवन और तीन चीजें प्रूव करनी है इसमें एक तो ट्राइंगल कॉन्ग्रोमेंट है फिर एक साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है फिगर बनाओ सबसे पहले बना दिया ना सभी ने फिगर लेट्स रीड देन रीड करते हैं फिगर को एबीसीडी से क्वारिलेटर अगेन चेक करो एबीसीडी क्वार लेके है क्या चार भुजाओं से बनने वाला ए ए बी बी सी सी डी डी है ना चार भुजाओं का स्वामी ठीक है इसके अंदर ए डी और बी सी बराबर है देखो फिगर में भी डिनोट किया हुआ है ए डी पे सिंगल डैश बी सी पे भी सिंगल डैश तो ए डी और बी सी बराबर हैं. गीवन है गिवन है ना और एक, एक एक एंगल भी बराबर है ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर है सिंगल सिंगल डैश हो रहा है दोनों पे इस पे भी सिंगल डैश और इस पे भी सिंगल डैश हो रहा है सिंगल डैश सिंगल तो ये दोनों एंगल भी बराबर हैं इस एंगल का नाम क्या है एंगल डीएबी एंगल डीएबी चेक करते हैं एंगल डीएबी डी ए बी मतलब ये पूरा एंगल है बेटा ना पूरा कंप्लीट और एंगल सी भी है सी देखो कलर चेंज कर देता हूं मैं सीबीए के लिए सी बी ए ये सीबी है तो ये एंगल कौन सा बनेगा ये वाला बनेगा ये पूरा एंगल तो ये पूरा एंगल इस पूरा एंगल के बराबर है ये दो ही बातें की वन है कि दो साइड बराबर है और दो एंगल बराबर है yes. uh, बाकी सारे बच्चे आए क्या hmm? ठीक है तो एक साइड इक्वल गिवन है और एक एंगल इक्वल गिवन है आपको प्रूव क्या करना था प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रोव है ट्रायंगल बी एस सी के तो ए ए बी डी बी डी ट्रायंगल एक बार देखते हैं कहां कहा इस, इस वाले फिगर में ए बी डी देखा आइडेंटिफाई हुआ देखो प्रॉब्लम पता है क्या है एक चीज समझना जो मैं कहने वाला हूं अभी बड़ी ध्यान से अगर आपको ना दो ट्राइंगल अलग अलग ऐसे ड्रॉ करके दे दिए जाए ना तब आप में से किसी भी बच्चे को कॉन्ग्रोवंस रूल के क्वेश्चन में दिक्कत नहीं आएगी अलग अलग दिख रहे हैं ये एंगल इसके बराबर ये साइड इसके बराबर बड़ा सरल सा टॉपिक लगेगा बट प्रॉब्लम पता है क्या है फिगर्स <laughs> एक दूसरे में मर्ज होते हैं फिगर्स एक दूसरे में क्या होते हैं अलग अलग बैठ जाना फिगर्स एक दूसरे में क्या होते हैं मर्च जो होते हैं ये प्रॉब्लम है समझ आया अब जैसे कि इसमें जो दो ट्राइंगल है ना ट्राइंगल ए बी डी और ट्राइंगल बी एस सी जो कॉन्ग्रोन साबित करने वो अलग अलग नहीं रखे न्यारे न्यारे अलग अलग रखे हुए रहते हैं ना तो आपको साफ साफ दिखाई देते कि ये है। B, A, हैं कि दोनों बराबर हैं चलो बी एस सी को आइडेंटिफाई करो इसमें कहा बी एसी मैं ब्लू शेड कर देता हूँ उसको बी एस सी को बी ए सी मीटिंग भी खत्म होने वाली है तो मीटिंग भी ज्वाइन कर लेंगे तो ब्लू कलर का तो है बी ए सी और रेड कलर का है बी अब ये दोनों एक दूसरे में घुसे हुए हैं एक बार मीटिंग लीव करके दूसरी मीटिंग पे आओ फटाफट हम्म तो देखो इन दोनों फिगर्स को एक बार मैं अलग अलग कैसे कर सकता हूं देखो कोशिश करता हूँ देखो आपके लिए करने की जो रेड वाला जो फिगर है ना रेड वाला जो ट्राइंगल है वो ऐसे है देखो ध्यान से रेड वाला ट्राइंगल को जैसे है देखो ऐसे है बोलो है ना और जो ब्लू वाला ट्राइंगल है ना वो ऐसे है कुछ है ना बताओ अब प्रॉब्लम क्या है कि ये ट्राइंगल और ट्राइंगल ऐसे मर्ज हो गए हैं एक दूसरे में समा गए ठीक है इनकी ये वाली साइड मर्ज हो गई है कौन सी वाली साइड ये ए बी ये भी ए ए ए बी 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 तो ये ये ए -बी -ए -बी वाली जो साइड है ना जाके मर्ज हो गई है और मर्ज होके एक दूसरे में घुस के इस टाइप के फिगर को जन्म दे रही है समझ गए कि नहीं समझे अब आप में इतनी इमेजिनेशन पावर होनी चाहिए कि आप इन दोनों ट्रायंगल को अलग अलग इमेजिन कर सको ऐसे अलग अलग तब तो आप इसके कॉन्ग्रोवेंस रूल को क्रैक कर पाओगे नहीं तो आप सोचते रहोगे यार ये एंगल तो इसमें है ही नहीं ये एंगल तो इसमें ही नहीं ये साइड तो इसमें ही नहीं समझ आया कि नहीं आया बोलो अब आप एक काम करो इनको अलग अलग इमेजिन करो एक बार तो क्या क्या जीवन है आपको एडी बराबर इस ट्राइंगल का नाम क्या है ए बी डी इस ट्राइंगल का नाम क्या है ए बी सी तो पहले क्या जीवन है एडी बराबर बीसी तो उस मर्ज फिगर में एडी बराबर बी सी मत देखो इन अलग अलग फिगर में ए डी बराबर बीसी देखो एडी का है ये रही बीसी का है ये रही एक साइड एक साइड के बराबर आ गई क्या इक्वल बताओ बोलो एक साइड तो मिल गई इक्वल दूसरा एंगल डी ए बी इस में एंगल कौन सा है बीएसई बी एस सी।, बी सी का है बी ए सी ये वाला बी ए सी है। आ... नहीं सी बी ए है सी बी ए देखो सी बी ए ये वाला तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल की वन तो एक एक एंगल इक्वल मिल गया एक एक साइड इक्वल मिल गई एक साइड और चाहिए तो एक साइड जैसे उसमें कॉमन थी इसमें भी तो हो सकती है कॉमन देखो चेक करो दोनों में कौन सी साइड कॉमन है या है भी या नहीं है ये भी सर। कौन सी है सर है बी बी ए अब आप देखो उसके नाम से भी देख सकते हो डी ए बी ट्राइंगल जो मुझे प्रूव करना है सॉरी ए बी डी ट्राइंगल और बी ए सी ट्राइंगल में दो लेटर कॉमन है ए बी ए बी ए दो लेटर कॉमन है तो दो लेटर से क्या बनता है साइड तो एक साइड तो कॉमन बनेगी ही बनेगी ध्यान से देखो ये ए बी साइड इस ट्रा में भी आती है और वही ए बी साइड इसमें भी आ रही है तो ये तीसरी साइड हो गई ना तीसरी साइड के इक्वल अब बस अब ये चेक करो जो दो साइड ली एंगल बीच का है क्या देखो इधर ए बी और ए डी तो एंगल आ रहा है बीच का सर, आ रही है अभी क्लियर है आवाज सर yes, हाँ तो इधर कौन सी कौन सी साइड ली है हमने ए बी और ए बी और ए डी तो एंगल बीच का ही लिया है, चेक करो और इधर कौन सी कौन सी साइड ली है ए बी और बी सी तो इधर भी जो साइड ली है ए बी और बी सी एंगल उसके बीच का ही तो है, चेक करो। है ना तो दो साइड्स और बीच का एंगल इस ट्राइंगल में दो साइड्स और बीच का एंगल इस साइड में है इक्वल तो ट्राइंगल कॉन्ग्रोमेंट हो जाएंगे ना हो जाएंगे दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रोमेंट बताओ एक दूसरे के ठीक है लिखना स्टार्ट करें yes. चलो फिगर ड्रॉ कर लिया तो सबसे पहला काम क्या होता है गिवन अब जल्दी से खत्म करो विद इन फाइव मिनट्स और आज इतना ही करेंगे फिर तो स्टार्ट करते हैं इनक्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी जो जो भी गिवन है दो ही गिवन पॉइंट्स हैं बस पिछली बार की तरह इनक्वाड्रीलेटरल ए बी सी डी पहला गिवन पॉइंट है ए डी बराबर बी सी डी बराबर बी सी

तीसरा क्या लिखना है एंगल ए बी डीवल टू एंगल बी एस सी वन टू थ्री करके आप वन टू थ्री तीनों लिख दोगे और उसके बाद फिर आप स्टार्ट करो प्रूफ सेक्शन तो मैं यहीं से प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ लेकिन आपको आपके नोट्स में पहले टू प्रूफ वाले तीनों पॉइंट्स लिखने कॉपी पे क्वेश्चन से और फिर नीचे से प्रूफ सेक्शन स्टार्ट करना है अभी के लिए मैं क्या कर रहा हूँ प्रूफ सेक्शन यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ क्योंकि स्पेस की कमी है नीचे फिर लिख नहीं पाएंगे तो यहीं से मैं प्रूफ सेक्शन स्टार्ट कर रहा हूँ समझ आ गया ना सबको कोई कंफ्यूजन नहीं है ना बंदर की तरह कॉपी पेस्ट मत कर देना कि जीवन के बाद सीधे प्रूफ आ गया टू प्रूफ लिखाएंगे बीच में टू प्रूफ के तीन पॉइंट लाइंस भी लिखनी है लिख दोगे ना चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है कि ट्रायंगल को कांग्रोवेंट करो ट्रायंगल कांग्रवेंट करने के लिए एस ए एस का सहारा लेंगे ये सोच लिया पहले स्ट्रेटेजी बना ली थी हमने की दो तो साइड लेंगे बीच का एंगल लेंगे दो साइड कहां से मिलेगी एक साइड और एक एंगल तो गीवन डाल देंगे जीवन जीवन एक साइड कहां से आएगी कॉमन तो कुछ सामग्री भी रेडी नहीं करनी इस बार तो चलो सीधे स्ट्रेट अवे उठा लो ट्राइंगल हेयर इन ट्राइंगल पहले इंट्रोडक्शन करवाते हैं ना का हेयर इन ट्रेंगल. कौन कौन से बताओ जिनको हमको प्रूव करना है एबीडी एंड बी एस सी तो दोनों ट्राइंगल को इंट्रोड्यूस करवाओ ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल बी एस सी जिन भी ट्राइंगल को कांग्रेन प्रूव करना है पहले इंट्रोड्यूस करवाओ नाम लिखो उनका लिख दिया अब इसमें तीन हथियार तो दो साइड और बीच का एंगल लेना है तो पहली साइड तो पहला गिवन पॉइंट डाल दो पहला गिवन पॉइंट डाल दो इक्वल टू बी सी ठीक है एंड दूसरा पार्ट ये दूसरा गिवन एंगल डाल दो ठीक है क्या है एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल बी है और दोनों के दोनों गिवन पॉइंट्स हैं सुनो yes no? दोनों के दोनों गिवन पॉइंट्स हैं तो दोनों के दोनों गिवन पॉइंट्स है तो दोनों क्या कॉमन भी डाल सकते हो गिवन नहीं तो अलग अलग भी डाल सकते हो गिवन गिवन ऐसे भी डाल सकते हो और कॉमन भी डाल सकते हो बैठ जाएंगे ठीक है क्लियर ये साइड हो गई ये एंगल हो गई और तीसरी साइड जो हमको लेनी है वो कौन सी लेनी है कॉमन साइड तो इधर से कॉमन साइड कौन सी आ रही है देखो ए बी ए बी कॉमन साइड थी है ना तो आप इधर से रीड करो ए बी कहाँ आ रहा है ए बी यहाँ आ रहा है तो इसकी फ्लो में उधर क्या आ रहा है चेक करो क्या आ रहा है बताओ बी ए आ रहा है तो अब आप खुद सोचो ए बी और बी ए आपस में बराबर होंगे क्या ए बी बी ए की तो लाइन सेगमेंट होगी तो बराबर होंगे ना तो यानी कि मैं लिख सकता हूँ ए बी इक्वल टू बी ए और क्योंकि वो सेम लाइन सेगमेंट है तो कॉमन साइड पिछली बार पिछली बार एक एंगल को इक्वल करने के लिए थोड़ी बहुत सामग्री रेडी करनी पड़ी थी बायसेक्शन वाला पॉइंट से इस बार तो वो भी नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो एज इट इज गीवन में दी हुई है तो हमने जस्ट लिखा और सामने लाख दिया गीवन तो दो साइड और बीच का एंगल आ गया अब आपको एक चीज बस और चेक करनी है कि ये सारे के सारे पार्ट सेम फ्लो में है या नहीं है चाहो तो आप लिखते लिखते चेक कर लो चाहो तो तीनों लिख के एक साथ चेक कर लो तो पहले वाले को पकड़ो ए डी और बी सी चेक करो ए डी पी सी नहीं है ना बताओ तो फिर हमने गलत लिखा है क्या हमने गलत लिखा है पता है क्या हमने ट्राइंगल का इंट्रोडक्शन गलत किया है प्रूव क्या करना था चेक करो ए बी डी और हमने क्या लिखा है हमने क्या लिखा है हमने इंट्रोडक्शन गलत किया तो ये आप खुद चेक कर लोगे तो वहीं पे गलती पकड़ में आ जाएगी बी ए सी लिखना पे ठीक है अभी अब आप चेक करो देखो A, D, A, D, B, C. तो पहला तो सेम फ्लो में है चलो एंगल चेक करते हैं दूसरा वाला डी ए बी डी एन टू तो इधर भी थ्री वन टू है क्या थ्री वन टू सी बी ए आ रहा है ना तो दोनों एंगल्स भी सेम फ्लो में हैं यस और नो यस और नो यस सर और तीसरी साइड तो मैंने खुद ने yes. आगे होके सेम फ्लो में लिखी थी फिर भी चेक कर लेते हैं ए बी फर्स्ट एंड सेकेंड लेटर बी ए फर्स्ट एंड सेकेंड तीनों पार्ट सेम फ्लो में होने चाहिए याद रहे तीनों पार्ट सेम फ्लो में होने चाहिए तो ही हम कॉन्ग्रोवेंस लिख सकते हैं ठीक है तो दो साइड बीच का एंगल दो साइड बीच का एंगल अच्छा ये वाला जो एंगल है इन दोनों साइड के बीच का है यानी कैसे चेक करते हैं ए डी और ए बी में कॉमन लेटर क्या है ए तो सेंटर पे क्या आ रहा है ए आ रहा है इधर आओ बी सी और बी ए में कॉमन लेटर क्या है बी तो सेंटर पे क्या आ रहा है बी दैट मीनस ये एंगल इनका इंक्लूडेड एंगल है सारी चीजें चेक कर ली हमने तो हम क्या लिख सकते हैं सो बायू सिंग एस एस कॉन्ग्रुवंस रूल ट्रायंगल एबीडी कॉन्ग्रोव टू ट्राइंगल बी एस सी तो पहला क्वेश्चन प्रूव हो गया सामने लिख दो हैंस प्रूव. सामने लिख दो हैंस प्रूव. हो गया इतना काम सभी का यस सर. ओके. अब ये तो केवल पहला क्वेश्चन सोल्व हुआ है अभी तो मैं यहाँ पे जब स्टार्ट कर रहे थे तभी मुझे मार्क करना चाहिए था फर्स्ट क्वेश्चन ये फर्स्ट क्वेश्चन का सोल्यूशन हुआ है क्वेश्चन नंबर वन मार्क कर दो वहां पे इसको डिलीट कर दूंगा इतना yes, sir. Yes, sir. अब, अब, सुनना ध्यान से जो मैं कह रहा हूं जब भी किसी क्वेश्चन में एक से ज्यादा क्वेश्चन हैं प्रूव करने के लिए तो हमेशा जो नीचे के क्वेश्चन होंगे वो उस उसको का रिजल्ट होंगे चेक करो है या नहीं है बी डी और एसी से इक्वल प्रूव करो ये लो बी डी और एसी सेम फ्लो में ही है तीसरा रिजल्ट चेक करो एंगल ए बी डी एंगल बी एसी एंगल एबीडी ए बी डी वन टू थ्री बी एस टू थ्री तो ये दोनों तो उसी के सीपीसी टी से प्रूव हो जाएंगे ना एक बार वो प्रूव हो गया तो, तो सेकंड और थर्ड को कैसे प्रूव करूंगा मैं सेकंड मार्क करो क्वेश्चन सेकंड मार्क करो हेयर अभी अभी जो आपने प्रूव किया है ना उसको कॉपी करो ट्राइंगल बी सी क्या रीजन डालूंगा मैं दोनों कांग्रोट क्यों है बताओ दोनों क्यों है ये प्रूफ डबा प्रूफ डबाई पहले क्वेश्चन में ये तो प्रूव किया है प्रूफ डबाओ सो सो इधर से अगर मैं साइड बी डी लेता हूं तो कॉस्पॉन्डिंगली इधर से साइड ए सी मिलती है तो उसके कोरोस्पोडिंग पार्ट इक्वल होंगे ना ट्राइंगल कॉन्ग्रोट है तो तो बी डी इक्वल टू ए सी अब इसका रीजन क्या लिखेंगे बताओ बी डी ए सी के इक्वल क्यों है

ंगल एबीडी इक्वल टू एंगल बी ए सी रीजन वही बाय सीपीसी भाई जिस फ्लो में ट्राइंगल है उसी फ्लो में तो एंगल्स है चेक करो एबीडी एबीडी बी एस सी बी एस सी तो सेम फ्लो के एंगल्स तो इक्वल होंगे ना बा प्रूव्ड ये लो स तीसरा क्वेश्चन भी प्रूव हो फर्स्ट और थर्ड सेम के फर्स्ट और थर्ड सेम फर्स्ट में ट्रायंगल है थर्ड में एंगल है सेम दिख रहा है आपको फर्स्ट में ट्रायंगल एबीडी है थर्ड yes. में एंगल एबीडी है उसमें कॉन्ग्रोव है इसमें इक्वल है बहुत कुछ अलग है देखो एक तो ये अलग है यहाँ पे ट्रायंगल यहाँ पे एंगल यहाँ पे कॉन्ग्रोमेंट यहाँ पे इक्वल दो चीजें अलग है उसमें ट्राइंगल उसमें एंगल इक्वल करवा एक बार ट्राइंगल तो एबीडी तो लिया तो ट्राइंगल बॉस्पॉन्डिंग एंगल बी एस सी मिलेगा ये इसके इक्वल हो जाएगा इसका रीजन हम डालेंगे बाय सी क्योंकि हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रोमेंट कर दिए तो उसके कारोस्पॉन्डिंग एंगल्स भी इक्वल होंगे कॉरस्पॉन्डिंग भी इक्वल होगी बाय सीटी समझ आया अभी अच्छे से yes, ठीक है तो काफी इजी चैप्टर है कॉन्ग्रुएंस रूल्स अगर हमने बेसिक से अच्छे से समझे ठीक है द इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि जब भी भी अपन साइड्स एंगल लिखें तो वो ट्राइंगल के फ्लो में होनी चाहिए ये चीज चेक करते हुए चलेंगे ठीक है तो दो क्वेश्चन आज हमने किए बाकी क्वेश्चंस कल देखते हैं काफी आज के लिए काफी है यस चलिए तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू नाइस डे कीप